हैं मीर घाट। और देखिए स्ट्रक्चर देखिए वाराणसी के घरों का, ये देखिए घरों का स्ट्रक्चर, इतनी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे बनी हुई। ये है त्रिपुर भैरवी घाट। सभी घाटों की अपनी अलग विशेषताएं हैं, बट कुछ घाट बहुत ज्यादा मुख्य हैं, जैसे कि आपने देखे मणिकरण घाट था, ब्रह्मा घाट है, अस्सी घाट हो गया है, और अभी आगे भी हम लोग जा रहे हैं दशमवेव घाट है, जहाँ पे आरती होती है शाम को गंगा आरती, और इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम होगा शाम का, बहुत ही अद्भुत होगा। ये नजारा वाराणसी में आके जरूर देखे। ये है वारही घाट, और जो सब यहाँ पे होती है आरती शाम को वो है दशमवेव घाट। सबसे जो प्रमुख प्रसिद्ध है वो है ये, तभी यहाँ ज्यादा क्राउड आपको मिलेगा। और रात्रि में शाम को होती है 7:45 स्टार्ट, 6:45 का समय है, और यहाँ पे होगी गंगा आरती स्टार्ट शाम को, तो बोट राइड करके गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं आप सभी। बहुत ही मुख्य ये है घाट। या दिन में इतनी भीड़ है तो यहाँ शाम को क्या नजारा होगा, सभी लोग बोट लगी होंगी और अपना गंगा आरती को एंजॉय करेंगे। दूर दूर से इस घाट के लिए लोग आते हैं। अच्छा, आरती देखने के लिए शाम को आते हैं। अच्छा, तो फॉरेनर बहुत पसंद करते हैं इस घाट पे आना, बता रहे हैं भैया अमेरिका से, लंदन से, पेरिस, न्यूयॉर्क, फ्रांस, बेल्जियम, पूरा यूरोप, सब जगह से यहाँ आते हैं। और जिस होटल में हम रुके भी हुए हैं वहाँ भी सारे फॉरेनर थे, वहाँ पे 115 लोगों का ग्रुप आया है फॉरेनर का, और सिर्फ 15 थे जो इंडियन है। बहुत भव्य प्रोग्राम नज़ारा होगा यहाँ पे। यही है वो मेन घाट दशमवेव घाट, गंगा आरती होगी यहाँ। अलग अलग समय पे एक साथ? अच्छा, कुछ लोग यहाँ से देखते हैं कुछ लोग उधर से। अच्छा अच्छा, स्क्रीन पे देख सकते हैं आरती। बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है गंगा आरती के लिए। तो ये घाट है, देखिए प्रमुख घाट है यहाँ का दशाश्वमेव घाट। ये अहिल्याबाई घाट भी है, देखिए अहिल्याबाई घाट जिन्होंने निर्माण कराया काशी विश्वनाथ मंदिर का। हाँ जी, अभी मुंशी घाट आ गए हम लोग, और जितने भी घाट आ रहे हैं बस अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी बोरियत नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा मन लग रहा है कि सारे घाट जानने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, और एक से एक घाट बढ़कर है सारे ही घाट। देखिए काशी नगरी कैसे बसी हुई है वाराणसी की, देखिए स्टेयर से जा रहे क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये बिल्कुल जर्जर पुरानी बिल्डिंगे हैं, इमारत बनी हुई है बहुत पुरानी, और देखिए क्या स्ट्रक्चर है वाराणसी काशी का, इंटरनेशनली ये जगह बिल्कुल ही फेमस है। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे स्नान कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। हर हर महादेव, बहुत सुंदर नगरी है ये। वहां देखिए लोग कुछ शूट भी करा रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा शूटिंग है, गुड। ये आ गया है राजा घाट, ये देखिए बोट राइड हो रही है यहाँ पे, शेयरिंग में हो रही है बोट राइड, सभी लोग लुफ्त उठा रहे हैं बोट राइड का। बनारस आए वाराणसी में और गंगा नदी के साथ हिचकोले खा के आप बोट राइड करें और मजा लें, बहुत अच्छा। सारे के सारे घाट करें, ये परिक्रमा जो है ना बड़ी जरूरी है घाटों की,
मन ऐसा शुद्ध हो जाएगा आपका, शीतल हो जाएगा, पावन हो जाएगा। करीब हो गए होंगे 55-60 घाट कंप्लीट, सादा 70 कुछ ही बचे हैं अब। करीब हमने 70+ घाट कंप्लीट कर लिए हैं और अभी जो समाप्ति पे घाट आएगा वो होगा 80 घाट। जो दूसरे नंबर की आरती फेमस है वो 80 घाट की फेमस है, सुबह शाम वहां भी आरती होती है। 40 घाट में कौन कौन से घाट घुमाते हैं? यहाँ पे भी सभी लोग जा रहे हैं और बोट राइड कर रहे हैं, बोट राइड का मजा ले सकते हैं आप सभी लोग। और यहाँ पे व्यू कुछ ऐसा मिलेगा, ये भी कभी फेमस घाट है केदार घाट। अच्छा, सावन में यहाँ बहुत भीड़ होती है सावन में, उसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। वाह, काशी की नगरी, उत्तम अति उत्तम अद्भुत नगरी है ये। अगर भाई काशी आ गए ना तो काशी के ही होके रह जाओगे, बहुत ही अद्भुत। तो अभी एक और घाट जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मणिकरण के बाद, जहां पे चिता जलती ही रहती है, हरिश्चंद्र घाट है ये। यहां भी अग्नि कभी बुझती नहीं है बताते हैं। दूसरे नंबर पे मणिकरण के बाद ये जगह आती है हरिश्चंद्र घाट। ये है हनुमान घाट, शेयरिंग में है 300 में, शेयरिंग में 1 रुपया और सेपरेट में 3500-4000 ऐसे आप शेयरिंग में देंगे। और केवल ये है गुलरिया घाट है, ये गुलरिया वो है शिवाला घाट। वो है हमारे क्योंकि भगवान शिव की है ना ये नगरी, काशी को ही बोलते हैं। काशी को ही विश्वनाथ तो स्वयं भगवान शिव है, महानिर्वाणीय घाट। ये है निरंजनी घाट, ये मंदिर हर जगह मिलेगा। चेत सिंह घाट और यहाँ होता है लेजर शो, इसी किले के ऊपर लाइटिंग से पूरा लेजर शो दिखाया जाता है और काफी फेमस है ये लेजर शो के लिए किला। कब होता है? अभी बंद है, दीपावली दीप दीपावली कितने दिन चलता है? बस एक दिन चलता है। अच्छा, लेजर शो अब नहीं होता, डेली नहीं होता? अच्छा, तो इसी पे लेजर शो होता है दीपावली, देव दीपावली वाले दिन। और सामने होती है इसके आतिशबाजी, वाह क्या नजारा होता होगा, वो बहुत ही अद्भुत होता होगा, अविश्वसनीय होता होगा। वाह, सोच के ही बहुत अच्छा लगता है। ये हम लोग आए अभी प्रभु घाट पर, पंचकोट घाट आ गया है। ये घाट आ गया निषाद राज घाट, निषाद राज घाट है।
ऊपर मंदिर भी है, एक कण कण में मंदिर है, जगह जगह मंदिर है और कण कण में शिव है। हाँ जैन घाट है ये। ये है वच्छा राजा घाट। ये है वच्छा राजा घाट। ये है जानकी घाट। ये था भदेनी घाट। अब बस समाप्ति की ओर है घाट, और जो अंतिम घाट पड़ेगा अभी आने वाला है वो होगा 80 घाट। इसका थोड़ा शोर आ रहा है तो माफ कीजिएगा, इसको इग्नोर कीजिएगा और दर्शन कीजिएगा सभी घाटों के आप। रीवा घाट, रीवा बाढ़ आ गई थी, इतना पानी का बहाव हो गया। बताओ तो घाट है 80 घाट आ रहा है जी। 80 घाट, 80 घाट कहाँ है? ये सामने आप दर्शन करें 80 घाट के। 80 घाट और अंतिम घाट है ये। यहाँ से हो जाएगा हमारा यू टर्न और जो जर्नी है संपूर्ण आपको जानकारी है। सभी घाट हैं यहाँ पे, तो आप सभी हाथ जोड़ें और नमो बोलें और हर हर महादेव बोलें। और यहाँ से हमारी बोट लेंगे यू टर्न। कृतिका भी उधर चले गए, उस साइड बैठेंगे हम, वहाँ से लेंगे व्यू। तो भाई दर्शन किए हमने सभी घाटों के, वापस जो पिकअप पॉइंट था हमारा वहाँ ले जाएंगे हमें। बहुत अच्छे से भैया ने बताया और बोट राइड कराई। इनका नाम है किशन, इनका नाम है सूरज। वाराणसी आए तो बोट राइड करें, ये महिषासुर घाट से मिलेंगे आपको। वापसी चलेंगे अब हम इधर, तो वापस जाएंगे तो जरूर दोबारा हम सारे घाटों को फिर देख सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। वाह, हर हर गंगे, जय हो गंगा मैया की। बस इसे स्वच्छ रखें, गंगा मैया को साफ रखें। भैया बता रहे हैं कि अंबानी में नीता अंबानी जी ने इनवाइट किया था यहाँ पे, एक चाट बनाने वाले हैं उनको अपने बेटे की शादी में, तो उनसे उनकी चाट उन्हें पसंद आई थी। वाराणसी काशी की तीन चीज फेमस है भैया बता रहे हैं क्या? ये पहले से ही? अच्छा नाम बता दिया, नाम बता दिया, बड़ी नाम है।
दशाश्वमेध घाट, तो शाम को गंगा आरती होगी जो कि बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ की नंबर वन आरती होती है यहाँ पे वाराणसी में। तो यहाँ शाम को आएंगे हम, आरती करेंगे अटेंड। अभी इतना भीड़ है और रात को तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। जिनको भी आरती करनी है वो शाम को 5 बजे से आके यहाँ पे जगह ले, अपना स्थान ग्रहण करें और आरती का लाइव मजा लें। यहाँ से स्क्रीन भी है, यहाँ पे आरती चल के दिखाई जाती है। यहीं से बना है। साल भर में एक लोग आते हैं होली पर और भसम से राख से यहाँ होली खेलते हैं मणिकर्णा घाट पर। बताइए, अद्भुत है ये नगरी। इसके बारे में आप जितना जानेंगे, डीप में जाएंगे, गहराई में, तो सोचते ही चले जाएंगे, बहुत कुछ है जानने के लिए। ये जो पुल दिखाई दे रहा है ये अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था, तो तभी का पुल है ये। और नीचे चलती है इसमें ट्रेन और ऊपर चलते हैं वाहन, दूसरे बस, कार, बाइक, स्कूटर इत्यादि। तो ये अंग्रेजों ने बनवाया था और हम वापस पहुंच रहे हैं बस नमो घाट, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना महिषासुर घाट से। तो हमारी ये जर्नी कंप्लीट हुई है, संपूर्ण घाट हमने घूमे हैं। बहुत अच्छा अनुभूति हुई हमें यहाँ पे। क्यों कृतिका, बहुत अच्छा लगा? संपूर्ण घाटों की यात्रा दर्शन किए हमने और बहुत अच्छे से हुई, बहुत ही अच्छा हो गया है मन, अब तो बहुत पावन पवित्र हो गया है। गंगा नदी में हम लोग चल रहे हैं नौका में, क्या अद्भुत दृश्य है। और सब कंप्लीट किया, अब हम वापस नमो घाट की तरफ पहुंचते हुए अब बस हम यहाँ पे पूर्ण विराम देंगे अपने गंगा घाट। देखिए ट्रेन गुजर भी रही है इस पुल से, तो ये नीचे चलती है ट्रेन, ऊपर बाकी के वाहन चलते हैं। तो हमने जर्नी की कंप्लीट और गंगा नदी को नमन करते हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। चलिए, हर हर महादेव। संपूर्ण हमारी हुई ये यात्रा सुखद और बहुत अच्छी। वाराणसी की काशी में सारे घाट हमने घूमे, संपूर्ण घाट। हर हर महादेव। चलिए, हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, रिक्शा किया है, ये बैटरी रिक्शा मिला है। और देखो होटल जाएंगे, कुछ सामान लेना था कृतिका को, पूजा का माला इत्यादि। और कृतिका यहाँ पर है, अच्छे दर्शन हुए सभी जगह के, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की है कचौड़ी, फेमस हींग वाली कचौड़ी बनती है यहाँ पे, हींग वाली कचौड़ी। कचौड़ी है, कहाँ है? बेड़े भी है, कहा है भैया? हींग वाली कौन सी है दे दो भैया, हींग वाली कचौड़ी है फेमस। एक दो टोकन है क्या, लाना पड़ेगा?
पेड़ दुकान में से मैंने पहली बार देखा है और आप लोगों ने इसको काटा नहीं कभी? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। और 100 साल से पुराना पेड़ बता रहे हैं अंकल जी भी, ये दुकान के बीच में से निकल रहा है और ऊपर जा रहा है बड़ा। देखिए ये नीम का पेड़ है, वरना तो लोग काट देते। बहुत बड़ी है ये तो, ये चलेगी। हाँ दे दीजिए।